इसके एपिसोड 6 में हमने देखा कि डैनी को बंद करके रखा है ताकि उसे हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग पकड़ ना सके। मैट और जेसिका को मिडलाइन सर्कल फाइनेंशियल बिल्डिंग के कुछ ब्लूप्रिंट्स मिले हैं जो कि उसके नीचे वाले पार्ट के थे। इलेक्ट्रा अकेले ही सारे हीरोज को बेहोश करती है और फिर स्टिक को मार के और डैनी को लेके हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के पास जाती है। एपिसोड के लास्ट में इलेक्ट्रा अलेक्जेंड्रा को भी मार देती है और कहती है कि अभी से वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन की नई बॉस है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 7 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है फिश इन द जेल हाउस। एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से जहाँ हमें स्टिक और इलेक्ट्रा एक साथ दिखते हैं। इलेक्ट्रा उसे कह रही थी कि मैट जंग के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो किसी को भी मार कर उसकी जान नहीं ले सकता। असल में यह स्टिक ने इलेक्ट्रा को मैट के साथ रहने के लिए बोला था ताकि वो मैट को अपने साइड में ला सके, पर इसी दौरान इलेक्ट्रा मैट के प्यार में पड़ गई और स्टिक इसीलिए उसे समझा रहा था कि एक बड़ी जंग होने वाली है जिसमें प्यार नाम की फीलिंग का कोई काम नहीं है। स्टिक ये भी कहता है कि जंग बहुत बड़ी होने वाली है इसलिए बहुत लोग मरने वाले हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हमें स्टिक की लाश दिखती है जो कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन से लड़ते लड़ते अपनी ही स्टूडेंट इलेक्ट्रा के हाथों से मर गया था। सीन शिफ्ट होता है जेसिका पर जो होश में आती है और उसके साथ मिस्टी ऑफिसर होती है। जेसिका के जगते ही मिस्टी उसे सवाल पूछने लगती है कि तुम जहाँ पे थे वहाँ दो डेथ बॉडीज थी, वो बॉडीज किसकी है और उन्हें किसने मारा। दूसरे और मैट भी होश में आता है जहाँ उसके सामने फॉगी था। फॉगी उसे बताता है कि पुलिस को दो डेथ बॉडीज मिली है जो कि व्हाइट हेड और स्टिक की है। मैट कहता है कि ये सब इलेक्ट्रा कर रही है, जिसे सुनकर फॉगी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके लिए तो इलेक्ट्रा मर चुकी थी। वहाँ मिस्टी ऑफिसर भी आती है जो मैट को बोलती है कि मुझे पता है तुम एक लॉयर के साथ साथ कुछ बड़े काम भी करते हो, इसलिए पुलिस होने की वजह से तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा कि वो दो लाश किसकी है और उन्हें किसने मारा है, पर मैट उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर लूक अभी भी बेहोश था और उसके साथ क्लेयर और कोलन थी। कोलन को या डैनी की चिंता थी जो कि अभी हैंड ऑर्गेनाइजेशन के कैद में है। थोड़ी देर में वहाँ लूक होश में आता है और पूछता है कि डैनी जिंदा है या मर गया, जिसे सुनकर कोलन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद मिस्टी सारे हीरोज को एक रूम में लाती है और सबको एक ही साथ सवाल पूछने लगती है, पर कोई भी उसका जवाब नहीं देता। यहाँ एक दूसरा ऑफिसर भी था जो सबको चिल्ला रहा था और बोल रहा था कि शहर के इनोसेंट लोग मर रहे हैं और अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो तुम सब जेल जाओगे। लूक यहाँ बोलने लगता है कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ग्रुप है जो ये सब कर रही है और उसी ने बहुत लोगों को मारा भी है। मिस्टी और वो ऑफिसर उस ग्रुप के बारे में और बताने के लिए कहते हैं, पर तीनों में से कोई भी उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मिस्टी समझाती है कि ये काम पुलिस का है इसलिए हमें इसे करने दो, पर जेसिका का कहना था कि ये ग्रुप बहुत डेंजरस है इसलिए वो पुलिस को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो ऑफिसर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है, इसलिए सब कुछ बताने से पहले मैट कुछ टाइम मांगता है ताकि वो आपस में डिस्कस करके आगे क्या करना है और पुलिस को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है ये सब का प्लान बना सके। लूक, मैट और जेसिका को एक सेपरेट रूम दिया जाता है जहाँ तीनों आगे क्या करना है इस बात की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के नज़र में सिर्फ जेसिका और लूक ही सुपर हीरो है और उन्हें लगता है कि मैट एक नॉर्मल सा लॉयर है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। मैट को यह लग रहा था कि डैनी को मिडलाइन सर्कल फाइनेंशियल बिल्डिंग में ही लेके गए होंगे क्योंकि वहीं पर उनका बड़ा प्लान चल रहा है। सारे लोग यही प्लान कर रहे थे कि अभी यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, और तभी वह फॉगी मैट से मिलने आता है। फॉगी कहता है कि तुम डेयर डेविल हो ये बात अभी तक पुलिस को नहीं पता चली है और इसके आगे भी नहीं पता चलनी चाहिए, ये ध्यान तुम्हें रखना है। यह फॉगी मैट को एक बैग देता है जिसमें उसका डेयर डेविल का सूट था, यानी फॉगी ने छुपके से मैट को वहां से भागने के लिए बोला था। उसी वक्त मिस्टी और दूसरे ऑफिसर को एक जोरदार आवाज आती है इसलिए सारे लोग देखने जाते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि तीनों लोग उस रूम के दीवार को तोड़कर वहां से भाग गए हैं। दूसरी ओर हमें इलेक्ट्रा दिखती है जो अलेक्जेंड्रा की लाश को वहां से लेके जा रही थी। वहां हैंड ऑर्गेनाइजेशन के बाकी के लीडर्स थे जो इलेक्ट्रा को चिल्ला रहे थे क्योंकि ऐसे ही रैंडमली इलेक्ट्रा किसी को नहीं मार सकती। मैडम गाओ बताती है कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसीलिए उन्हें बड़े बड़े बिजनेस से अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं, पर उन्हें अगर पता चला कि अलेक्जेंड्रा मर गई है तो वो लोग हमें पैसा देना बंद कर देंगे। बकुटो भी यह कहता है कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हुई है क्योंकि सारे लोग हमेशा एक साथ खड़े थे, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हैंड ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। इलेक्ट्रा सबको एक ही साथ जवाब देते हुए कहती है कि उसे हैंड ऑर्गेनाइजेशन की परवाह नहीं है, उसे बस वो सब्सटेंस चाहिए जिसे लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रा डैनी को एक लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे लेके जा रही थी। डैनी जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखता है कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे एक बड़ी गुफा को बनाया है, जिसे देखकर डैनी शॉक हो जाता है। इलेक्ट्रा उसे सब कुछ समझाती है कि ये गुफा कई सालों पहले दूसरे आयरन फिश ने अपनी पावर से बंद कर दी थी
और अभी उन्हें डैनी की हेल्प से इस गुफा के दरवाजे को फिर से खोलना है, पर डैनी उसके लिए मना करता है। डैनी ने बचपन से ही ट्रेनिंग ली थी ताकि वो हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हरा सके, इसलिए वो ये दरवाजा नहीं खोलने वाला था। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर मिस्टी को चिल्ला रहा था क्योंकि मिस्टी ने ही उन्हें सेपरेट रूम दिया था। यहाँ में कोलन दिखती है जो पुलिस स्टेशन से मिडलैंड सर्कल बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स को चुरा रही थी। यहाँ उसे बॉम्ब दिखते है जिसे एपिसोड 1 में जेसिका ने ढूंढा था और कोलन उसे भी चुरा लेती है। दूसरी ओर कैरन और फॉगी बात कर रहे थे जहाँ कैरन को समझता है कि फॉगी ने ही उन सबको भागने में हेल्प की है। फॉगी बोलता है कि अगर हैंड ऑर्गेनाइजेशन एक बार खत्म हो गई तो अपना मैट हमें फिर से मिल सकता है और हैंड ऑर्गेनाइजेशन के खत्म होने के बाद वो कभी भी डेयरडेविल नहीं बनेगा। यही सोचकर फॉगी ने मैट को वहां से भागने में हेल्प की। मार्वल के बाकी के हीरोज उड़कर या भागकर अपने लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, पर डिफेंडर मेट्रो से जाना पसंद करते हैं। मेट्रो में जेसिका एक शराबी आदमी से उसकी बियर की कैन भी चुरा लेती है। तीनों फिर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उनका सामना मैडम गाव, मुराकामी और बकुटो से होता है। तीनों भी हैंड ऑर्गेनाइजेशन के तीन लीडर से फाइट करने लगते हैं और ये फाइट बहुत ज्यादा ऑसम फाइट थी। यहाँ उनकी हेल्प करने कोलन भी आती है और बकुटो से लड़ने लगती है। जब डिफेंडर उन पे भारी पड़ते हैं तो सारे लीडर्स वहां से भाग जाते हैं। यहाँ कोलन बताती है कि उसने बॉम्ब्स लाए हैं ताकि वो ये बिल्डिंग को उड़ा दे और हैंड ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग इसी में मर जाए। यहाँ क्लेयर भी आई थी जो इस बात को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि हीरोज लोगों को बचाते हैं ना कि किसी को मारते हैं, पर डेयरडेविल कोलन की बातों को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि बिल्डिंग पूरी खाली है और अगर बिल्डिंग ब्लास्ट हुई तो हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही मरेंगे क्योंकि अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो वापस उनके पीछे आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, इससे अच्छा उन्हीं के बिल्डिंग में उन्हें मार दो। वही बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रा डैनी से बात कर रही थी कि बचपन से ही हमें दूसरों ने ट्रेन किया और उनकी लड़ाई का बोझ हम पर डाल दिया। इलेक्ट्रा बताती है कि खुद के लिए जीना शुरू करो और अपने ट्रेनर्स की बातों को भूल जाओ, पर डैनी इलेक्ट्रा पे हमला करता है और उससे फाइट करने लगता है। डैनी बताता है कि उसने अपने ट्रेनर से लॉयल्टी यानी ईमानदारी भी सीखी है, इसलिए वो अपने ट्रेनर्स को नहीं भूल पाएगा। दोनों यहाँ फाइट कर रहे थे और इलेक्ट्रा बताती है कि उसने ही डैनी के शहर के लोगों को मारा है, जिसे सुनकर डैनी को गुस्सा आता है और वो अपने आयरन फिस्ट से इलेक्ट्रा से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते गलती से डैनी अपना आयरन फिस्ट वाला पंच उस दरवाजे को मारता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने से शहर की लाइट चली जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। डैनी उस गुफा के अंदर दिखता है तो उस गुफा के अंदर बड़े क्रिएचर्स के बोन्स थे और वो उसके स्केलेटन के अंदर खड़ा था। ये क्रिएचर एक ड्रैगन है और इसी के बोन्स से वो सब्सटेंस बनता है जिससे हैंड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को जिंदा करती है। ड्रैगन का ऐसा ही एक टैटू डैनी के चेस्ट पर है और ये उसे तब मिला था जब उसने ऐसे ही किसी ड्रैगन को हरा कर अपने आयरन फिस्ट वाली पावर्स को जगाया था। और यही पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस ड्रैगन और हैंड ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के बारे में हम लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।